Hello class, my name is Himanshu Jain. Now today I am going to discuss accountancy first chapter, fundamental of partnership. So fundamental of partnership, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है. तो पार्टनरशिप को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान लेते हैं. 11th क्लास में आपने जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर करते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होती थी. तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थीं. कमियां क्या थीं? सोल प्रोप्राइटरशिप के पास फर्स्ट नंबर पे लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड स्किल्स थे, लिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी. ये सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियां हैं और इसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक सिंगल ओनर जो है वो वर्क करता है, और पार्टनरशिप वो जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके काम करते हैं. क्लास, जब दो लोग मिलके आपस में काम करेंगे तो क्या होगा? सपोज पहले एक आदमी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल. जब दो लोग मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा. स्किल्स, अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है उसे हो सकता है मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्किल हो उसके पास, फाइनेंस को मैनेज करने का स्किल बहुत अच्छा हो. लेकिन जब पार्टनरशिप होगी तो वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो सबके अलग अलग स्किल्स होंगे. तो स्किल्स भी क्या होंगे? लिमिटेड से ये भी जो है वो इनक्रीज हो जाएंगे स्किल्स. और इसके बाद रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एक मालिक है अगर 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकता है तो जब दो मालिक मिलेंगे, दो पार्टनर जब हो जाएंगे तो क्या होगा? वो लोग डबल रिस्क ले लेंगे. तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने लिमिटेशन थी. इन लिमिटेशन को जो है जो दूर किया वो किसने किया? वो दूर किया आपके पार्टनरशिप में. अब हम पार्टनरशिप में इसके बाद अब हम आते हैं इसके नेचर पे. तो जब आप नेचर देखेंगे इसका पार्टनरशिप का, नेचर जो है वो, इसके नेचर को हम जो है वो जो डिफाइन कर सकते हैं, एक तो अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा, आप इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं इनका सेपरेट जो है वो एग्जिस्टेंस होता है. लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट नहीं होता है. ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्टनरशिप का जो है वो नेचर था. अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, डेफिनेशन में आप देखेंगे पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन बिजनेस सो यहां पे मैं इसको राइट कर देता हूं. Partnership is a relation between partners
who have agreed to share profit or business carried by all or any of them acting for all. ये डेफिनेशन है आपकी. इस डेफिनेशन में पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है मेंबर्स का, इसके पार्टनर्स का, जिन्होंने ये एग्री किया हुआ है कि जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा इसको वो शेयर करेंगे, और जो बिजनेस होगा वो सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी एक जो पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे जो है वो वर्क कर सकता है. मींस ए बी और सी जो पार्टनर्स हैं, सो ए बी सी क्या करेंगे, ए बी सी पार्टनर है वो चाहे तो तीनों मिलके बिजनेस में जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफिस में जा सकते हैं, साथ में वर्क कर सकते हैं, या ए और बी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं और सी उनकी जगह पे जो है क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, सी पूरे बिजनेस को जो है वो मैनेज कर सकता है. अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स में. हम जब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप बताया था दो या दो से अधिक लोग इसमें जो है वो होने चाहिए, तो टू मोर पर्संस जो है वो आपके पार्टनरशिप में कम से कम होने चाहिए. तो ये जब हम टू मोर पर्सन की बात करते हैं, इसमें पार्टनरशिप में जो आईपीसी जो आईपीए एक्ट इसका 1932 है, तो मैक्सिमम इसमें नहीं बोले गए हैं पार्टनर, या आप ये कह सकते हैं अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1932 सेक्शन, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो 10 आपके मैक्सिमम पार्टनर हो सकते थे वो आपके बैंकिंग में और अदर बिजनेस के लिए इसको 20 जो है वो बोला गया था. फिर क्या हुआ, जो कंपनीज एक्ट अभी जो लेटेस्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो मैक्सिमम पार्टनर्स आपके 50 हो सकते हैं. तो अभी यहाँ पे टू और मोर पर्संस जो है वो होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स जो है वो हो सकते हैं. इन पार्टनर्स के बीच में इन्होंने देखिए यहाँ पे एग्री किया हुआ था. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आपने एग्रीमेंट, आपने जैसा डेफिनेशन में यहाँ पे देखा हुआ है, हु हैव एग्रीड मीन्स जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे पार्टनरशिप डीड को. थर्ड पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव मीन्स जो पार्टनरशिप है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट किस चीज़ का, या सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव. तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव का जो मतलब है, बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए प्रॉफिट मोटिव के लिए. इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, इसका बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन ये आ चुका है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं और उन्होंने साथ में जो है वो ज्वाइन होके एक कोई लैंड परचेज कर ली और उसको जो है वो एक साल बाद बेच दिया और प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो ये पूछा जाता है क्या ये पार्टनरशिप है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है. क्यों नहीं है ये पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें जो बिजनेस है यहाँ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है. वो एक बार मिले, उन्होंने अगर ज़मीन साथ में मिलकर खरीद ली फिर उसको आगे बेच दिया, तो ये रेगुलर बेसिस पे चलने वाला बिजनेस, ये रेगुलर बेसिस पे इन्होंने एक्टिविटी नहीं की है, तो ये जो है वो पार्टनरशिप नहीं है. तो पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए जिसमें रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए और वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए उसको जो है वो काम करना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, इनके बीच में यहाँ पे लिखा है एग्री टू शेयर, देखिए लिखा हुआ है, तो शेयर होना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए. अगर कोई पार्टनर है जिसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो फिर पार्टनर नहीं है. तो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, इसके फीचर्स का एक पार्ट है कि उनके बीच में जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो ज़रूर होनी चाहिए. और अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अपने रिलेशनशिप जो है वो इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट की होती है. तो प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप जो है वो क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट, अगर कोई भी सपोज ए है पार्टनर
और बी भी पार्टनर हैं और इन्होंने एक फर्म जो है वो इन्होंने एक फर्म जो है वो बना रखी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए ने किसी आउटसाइड पार्टी के संग एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिया। तो ए ने जो एक्टिविटी की उसके लिए जो है वो बी भी जो है वो लायबल है उस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये भी पार्टनर है और इसके साथ साथ ए की एक्टिविटी से जो फर्म है वो भी बाउंड हो जाएगी। तो ए ने क्या किया, ए ने अपनी एक्टिविटी से बी को भी बाउंड कर दिया, आगे फर्म को भी बाउंड कर दिया। तो ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, जिससे अगर बी कोई एक्टिविटी करता है वो भी ए को जो है वो बाउंड कर देता है और फर्म को बाउंड कर देता है, ठीक है। और वहीं पे ए कोई एक्टिविटी करता है तो फर्म और बी ऑटोमेटिक जो है बाउंड हो जाते हैं। इसे प्रिंसिपल और एजेंट का जो है वो रिलेशन हम जो है वो बोलते हैं। हम जैसा भी बात कर रहे थे डीड की, मैं बात कर रहा था, तो डीड जो होती है वो पार्टनरशिप डीड आपकी पार्टनरशिप जो है वो उसका जो एग्रीमेंट स्पेशली है वो टू टाइप का होता है। एक पहला एग्रीमेंट मैंने आपको भी बताया था कि ओरल एग्रीमेंट है और जो सेकंड एग्रीमेंट है वो रिटन एग्रीमेंट है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इन दिस एग्रीमेंट देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड विद द फर्म इज रिटन क्लियर एंड इट इज साइंड बाय द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है इसमें पार्टनरशिप जो उन्होंने की हुई है उससे रिलेटेड क्या होगी, उससे रिलेटेड टर्म्स कंडीशन जो है वो इस डीड में जो है वो लिखे जाएंगे और उसके बाद उस डीड पे उस एग्रीमेंट पे जितने भी पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर वो साइन करेंगे। तो ये रिटन एक एग्रीमेंट जैसा बन जाएगा और इसको फ्यूचर में जो है वो एज ए एविडेंस जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है, यहाँ पे एक रिटन एग्रीमेंट है। तो ये पार्टनरशिप जो है वो डीड मैंने आपको बता दी है। पार्टनरशिप डीड के जो है वो कुछ इसके कंटेंट होते हैं। कंटेंट मींस पार्टनरशिप डीड के कि पार्टनरशिप डीड जो बनाई जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो पार्टनरशिप डीड में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कंटेंट है वो मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हैं तो जब कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो फर्म बनाने जा रहे हैं उसका फर्म का आपका नेम क्या होगा, फर्म का एड्रेस जो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फर्म का जो नेचर होगा वर्किंग का वो नेचर क्या होगा, इसकी ड्यूरेशन जो है वो आप जो डिसाइड कर रहे हैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होगी, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पार्टनर्स हैं पार्टनर्स के नेम क्या हैं, उनके एड्रेस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये इसमें जो है वो मैनेज किया जाता है, लिखा जाता है इसको। नेक्स्ट इसके बाद पार्टनर कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल का इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल पार्टनर ने कितना जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इस कैपिटल पे उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा, वो अगर ड्राइंग करेंगे पैसा विड्रॉ करेंगे तो कितना ड्राइंग कर सकते हैं, जो ड्राइंग किया हुआ अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है या नहीं होता है, ये भी इसमें परसेंटेज और सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की जाएंगी। अगर कोई पार्टनर सैलरी लेना चाहता है तो उसकी सैलरी वो किस तरह से लेगा, कोई पार्टनर अगर कमीशन जो है वो लेना चाहता है तो कमीशन के रिलेटेड जो है वो रूल्स जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। एक और है यहाँ पे आप आइटम ये कह सकते हैं
कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन के लिए क्या रूल्स होंगे, रिटायरमेंट के लिए क्या रूल्स होंगे, और डिसोल्यूशन के टाइम पे या डेथ के टाइम पे जो सेटलमेंट होगा उसके लिए क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी जो है उसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट थे ये सब आपके संग शेयर जो है वो किए हुए हैं। तो ये कंटेंट जो है वो ये बुक में भी दिए रहते हैं सारे कंटेंट। तो पार्टनर्स, एक चीज़ और इसमें आती है गार्नर वर्सेस मूरे रूल, जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें गार्नर वर्सेस मूरे रूल ये क्या था, तो ये सेटलमेंट योर डिस्प्यूट जो है लास्ट में जब बैंक करप्सी होती है तो उसमें जो है वो ये रूल जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे गार्नर वर्सेस, ये गार्नर मूरे और विल्किंसन तीन पार्टनर थे, जिसमें से विल्किंसन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया था, और इंसॉल्वेंसी में जो उसको अमाउंट देना था फर्म में, वो फर्म में अमाउंट जो है वो कैपिटल के रेशियो में गार्नर और मूरे लेके आए थे, कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था। तो रूल आप लिखवा सकते हैं कि सेटलमेंट टाइम पे कौन सा जो है वो रूल आप जो है वो कैरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो आपके पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में जो है वो ये आती हैं। अब हम लोग आते हैं रूल्स कौन कौन से ऐसे हैं जो अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है। सपोज डीड बनी है तो वेल एंड गुड है, डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ रिटन में है। और अगर डीड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, सपोज ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी, और इन्होंने इनके बीच में एक जो है वो ओरल एग्रीमेंट हो गया, मींस दोनों ने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, दोनों फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और क्या हो गया इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, ओरल एग्रीमेंट, और इन्होंने क्या किया अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आफ्टर टू ईयर आफ्टर थ्री ईयर बिजनेस चलने के बाद क्या हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, बिजनेस ग्रोथ भी कर रहा था इनकी फर्म, और इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया तो ए बोल रहा है कि पैसा हमने लगाया था पूरा, बी बोल रहा है पैसा हमने लगाया था, ए बोल रहा है मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बी बोल रहा है इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में। अच्छा, डिस्प्यूट जब होता है तो ये दोनों जो है वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट जाने के बाद क्या किया, वहाँ पे जब केस आया सामने तो उसमें जो जज है वो क्या डिसीजन ले सकता है, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं उस समय, तो वो एप्लीकेबल चीज़ें हैं, आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%, ये दो चीज़ें हैं कंपलसरी जो उस समय दी जाती हैं, बाकी सब चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। मींस ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, नो सैलरी, नो कमीशन, तो कुछ भी जो है वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, केवल जो है वो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में रहा है डिस्प्यूट के टाइम पे वो प्रॉफिट जो है वो आधा आधा बांटा जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर्स ने कुछ लोन बिजनेस को दिए हुए तो उस लोन के अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आपका था ये मैंने अभी आपको जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसके जो है वो फीचर्स, अब हम आगे आ जाते हैं फीचर्स कहना, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारे जो थे वो रूल थे, ठीक है ना, कि अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर्स को 6% जो है वो टोटल आपको मिलेगा, ठीक है, और बाकी कुछ भी जो है वो नहीं देती है, कोर्ट मना कर देती है। अगर कोई पार्टनर सैलरी के लिए बोल रहा है कि सैलरी चाहिए तो सैलरी भी भाई मना कर दी जाती है, कमीशन भी किसी तरह का नहीं मिलता है, कोई भी बेनिफिट परक्यूजिट या जो भी वो कोर्ट में जो है वो बोल रहे कि हमें चाहिए तो उसको नहीं मिलेंगे वो सब, ठीक है ना, वो चार्ज नहीं कर सकते बिजनेस से। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में आने से पहले हम थोड़ा सा जरा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो है वो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों, क्या होता है और ये क्यों बनता है। आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस जो है वो लर्न किए हुए, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप के जो बिजनेस थे उसमें जब आप एंड में जब फाइनेंशियल रिपोर्ट जब उसकी आप बनाते थे तो आप क्या करते थे, स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो है वो बैलेंस शीट बना के तैयार करते थे। तो यहाँ पे आप बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप जो है वो बना के तैयार करते थे। आपने देखा होगा जब इसका जो फॉर्मेट होता था उस फॉर्मेट में जो टॉप पे अकाउंट रहता था इसको आप ट्रेडिंग जो है वो बोलते थे, और ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप फाइंड आउट करते थे, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे फर्दर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता था बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद इनडायरेक्ट इनकम आप यहाँ लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहाँ लिखते थे, और आपको जो है वो नेट प्रॉफिट मिल जाता था। आप नेट प्रॉफिट में पहले क्या करते थे, नेट प्रॉफिट जो है वो आप उठा के लिखते थे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ये आप जो है वो अकाउंट यहाँ पे आप लिख देते थे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके प्रॉफिट ऐड हो जाता था। क्योंकि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स थे तो पहले केवल एक ही ओनर जो है वो होता था, तो ऐसी कंडीशन में क्या था, सिंगल ओनर है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सिंगल उसकी कैपिटल लिखी हुई है, तो जो प्रॉफिट होता था वो होल सोल प्रॉफिट का जो है वो ओनर था, तो पूरा प्रॉफिट अपने पास ट्रांसफ़र करके उसमें ऐड कर देते थे कैपिटल में। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पार्टनरशिप है, यहाँ 2, 3, 50 तक कुछ भी पार्टनर हो सकते हैं, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी था। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी का जब हम अकाउंट आगे इसको एक्सटेंड करते हैं, तो जब ये अकाउंट आगे जब ये एक्सटेंड होगा इस तरीके से, तो जो आगे वाला अकाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं बाय, देखिए यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट है, हम इसकी स्टार्टिंग ही करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, जो भी लॉस होंगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे इस समय ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट आपको बताया था, तो ये भी बाई नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं अकाउंट है। तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, और लाने के बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ कंटेंट हैं, ये कंटेंट हैं ओनर से रिलेटेड। तो जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से ओनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर वो कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो रिजर्व यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज अगर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो चाहते हैं कि 10,000 का 10% रिजर्व बनाया जाए, तो 10,000 रुपीज का वो यहाँ पे रिजर्व बना सकते हैं, रिजर्व बना लेंगे यहाँ पे, तो रिजर्व में प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा चला जाएगा। अब इसके बाद सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कोई पार्टनर क्लेम करता है सैलरी, तो सैलरी भी प्रॉफिट के ही पार्ट से दी जाती है, तो पार्टनर की सैलरी अगर कुछ है तो वो सैलरी आप जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। कोई पार्टनर अगर कमीशन अपना क्लेम करना चाहता है, कमीशन के लिए उसने एग्रीमेंट में अपने लिखा हुआ है, वो कमीशन आप यहाँ पे जो है जैसे 18,000 कमीशन है, आप कमीशन दे सकते हैं। पार्टनर ने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर ने जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है और एग्रीमेंट में मेंशन है कि पार्टनर्स को जो है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब सपोज जैसे एक पार्टनर जो है वो ए है, एक पार्टनर बी है, और दोनों की कैपिटल जो है बिजनेस में, एक पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 रुपए, दूसरे पार्टनर की कैपिटल जो है वो 2,00,000 रुपए है, और दोनों ही एलिजिबल हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाए।
तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 रुपीस हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ए और बी हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी का 10,000 10% इसका जो है वो 20,000, ये हम 30,000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर पार्टनर ने कुछ बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया है तो फर्म भी जो है वो पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे कैपिटल दे रखी है उसी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है वो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहता है। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन जो है वो यहाँ पे ड्राइंग जो है वो आना चाहिए इस जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ए का सपोज जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रुपीज़ है, बी का भी 5,000 रुपीज़ है, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो टोटल 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आई। तो ये 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए यहाँ पे आ गया है। इसका जो बैलेंस निकलेगा वो पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने सपोज इसका टोटल किया तो ये 1,10,000 रुपीज़ आपका जो है वो यहाँ पे इसका टोटल आ गया, यही 1,10,000 रुपीज़ आपने टोटल जब किया तो इसका यहाँ पे ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे पार्टनर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका रेशियो होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं होता है तो उनके बीच में जो रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका जो आएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये 10 है, ये 22 है और ये 40 हो गया, 40, 30, 70 हो गया। 70,000 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो 40,000 रुपीज़ आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा और ये दोनों पार्टनर उसको जो है वो इक्वल ले लेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इसके ट्रांजैक्शन हैं वो ट्रांजैक्शन जो है वो कौन कौन से ऐसे जो है होते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में जब हम आते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे जो आपको ट्रांजैक्शन करना था तो फर्स्ट नंबर पे जो आपका ट्रांजैक्शन निकल के सामने आता है वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब आप नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट कॉलम होता है लेजर का ये डेबिट होता है और जो सेकंड कॉलम होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको मेंटेन जब आप कर रहे थे तो उसमें भी जो फर्स्ट कॉलम था वो डेबिट का था और सेकेंड कॉलम जो था वो क्रेडिट का था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ये वाला अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने का ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपीज़ का था तो 1 लाख रुपीज़ से आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते थे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका ये फर्स्ट हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर करने का। आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिजर्व बना के तैयार करना है, तो रिजर्व बनाने के लिए देखिए ट्रांजैक्शन इसी में ही मेंशन रहते हैं, ये डेबिट कॉलम है, हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व का ट्रांजैक्शन क्या होगा, सो फॉर क्रिएटिंग द रिजर्व देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू होगा आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड कुछ भी आप बनाते हैं, तो रिजर्व बनाने के लिए जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू में आप रिजर्व कर देंगे। रिजर्व यहाँ पे 10,000 जो है वो
क्रिएट किया गया है तो ये 10,000, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया, बींग रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस या इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। थर्ड नंबर पे जब आप आते हैं तो आप देखेंगे अगर किसी पार्टनर को सैलरी चाहिए, किसी पार्टनर को कमीशन चाहिए, फिर वही है। इसमें आपको याद ये रखना है कि पहले आप पार्टनर को सैलरी दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है उसको अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कीजिए। इसी तरह से अगर आपको कमीशन देना है तो पहले कमीशन दीजिए और उसके बाद जो है आप इसको जो है वो इसमें ट्रांसफ़र करिए। तो हम आगे आ जाते हैं। देखिए एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें जो है वो जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें जो है वो कमीशन आपको आगे देना पड़ेगा या सैलरी देनी पड़ेगी। हम सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं, सैलरी जिस समय हम पार्टनर को देंगे तो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। और पार्टनर की कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। एक छोटा सा एक रूल है कि पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दीजिए, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पे जिस समय आप पार्टनर को कमीशन या पार्टनर को सैलरी देते हैं तो पार्टनर की कैपिटल जो है वो बढ़ जाती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो आप एंट्री कर सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट और टू में सैलरी, जैसे ए को यहाँ पे दी गई है टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट में आपने क्या कर दिया, सैलरी को ट्रांसफ़र कर दिया। सैलरी का अमाउंट जो यहाँ पे दिया गया था वो 12,000 रुपीज़ मैंने लिख रखा है, तो 12,000 मैंने यहाँ पे, तो बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू ए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सैलरी को, क्योंकि ये सैलरी एक एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो रहा है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा था और टू सैलरी टू ए, तो ये सैलरी टू ए जो है वो सैलरी टू ए या सैलरी अकाउंट जो भी है, यहाँ पे इसको ज़ीरो करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू ए। तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो सैलरी में हमने 12,000 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर दिए। और ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्टनर जैसे बी है, आपको बी को कमीशन देना है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही कमीशन टू बी, क्योंकि कमीशन जब देंगे तो बी की सैलरी, वो बी की कैपिटल इंक्रीज होगी तो बी की कैपिटल भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप सेम इसी तरीके से कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इस तरीके से आप जो है वो एंट्री कर देंगे। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो है वो कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि जब मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा, आपका पैसा बैंक में जमा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा। ओनर की भी कैपिटल बिजनेस में है, जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी भी कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर जो थे उनकी कैपिटल को आप टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, ये आप जो है वो इनको इंटरेस्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 20,000 है, टोटल 30,000 रुपीज इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजेक्शन हो गया। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा तो इसको ज़ीरो कर देंगे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। ये पूरा 30,000 से आप इसको वन टाइम में ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देंगे, ये आपके जो है वो 30,000 से ट्रांजेक्शन जो है वो होगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर दिए। अब बात आती है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसका आप ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। जब पार्टनर की ड्राइंग से जिस समय आप इंटरेस्ट भी उससे चार्ज करेंगे तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, और जब पार्टनर की कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है तो क्या होता है,
पार्टनर की कैपिटल जब आप डिक्रीज होगी तो मैंने कहा था डेबिट होती है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे जो है वो चार्ज करेंगे, तो ए इज कैपिटल, ए की कैपिटल कम होगी। हमें बी की भी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, और टू चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। और अमाउंट यहां पे देखिए इसमें था 5000 और 5000, ये 10,000 रुपीस, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे ये बाई जो डिनोट करता है वो डेबिट को डिनोट करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है नेक्स्ट एंट्री में, और जो इसका अमाउंट है 10,000 रुपीस वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये आपका 10,000 रुपीस ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट लास्ट एंट्री इसकी बचती है, और वो जो ट्रांजेक्शन है वो है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो प्रॉफिट आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 से, और टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल यहाँ पे दिया गया है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, और टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आप लिख दीजिए 40,000 रुपीज़ था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में, 20,000 रुपीज़ यहाँ 20,000, तो ये पूरा जो है वो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के संग मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। पार्टनर्स का जो है वो कैपिटल अकाउंट भी जो है वो बनाया जाता है, ये मैंने एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, आप इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शन आप जो पार्टनर से रिलेटेड हैं वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें पोस्ट किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पोस्टिंग आप किस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आपको अकाउंट्स दिए जाते हैं तो उसमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिए जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस जब भी पार्टनर के दिए जाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर दिए गए, लायबिलिटी मींस क्रेडिट, और अगर एसेट में दिए गए तो एसेट मींस डेबिट, तो जनरली लायबिलिटी में होते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे जो है वो मेंशन करते हैं। ओपनिंग बैलेंस को हम बाई बैलेंस बीडी के नेम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ और पैसे लेके आता है, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करें, कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट करें, तो जब बिजनेस में पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो वो एडिशनल कैपिटल आप जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे जितनी भी कैपिटल आई। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी आप पार्टनर ने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, फर्म ने जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, वो हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से मेंशन कर देंगे। पार्टनर को सैलरी मिलती है, उसका कमीशन मिलता है, तो इससे भी जो है वो पार्टनर की कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे कैपिटल इंक्रीज करने के लिए बाय सैलरी और बाय कमीशन। ये हम जो जनरल ट्रांजेक्शन अभी हमने की थी इनसे हम पोस्टिंग भी कर सकते हैं, देख जैसे आप लेजर पहले पोस्ट करते थे, तो कमीशन तक जो है वो पोस्ट करने के बाद इसके डेबिट में आप देखेंगे अगर ओनर ने कुछ विड्रॉ किया हुआ है अमाउंट तो ड्रॉइंग में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम चार्ज करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी, और इसकी बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो ये बैलेंस सीडी निकलेगा, तो ये पोस्टिंग जो है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट जनरली टू टाइप का होता है, एक जो फर्स्ट होता है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है,
और जो सेकंड होता है वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। जनरली क्वेश्चन जो है वो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के आते हैं, इसमें सिंगल अकाउंट ही जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। फिक्स्ड की जब हम बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये क्या है, और फिक्स्ड के संग जब भी कभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है इसके संग एक अकाउंट और बन के तैयार होता है और वो होता है करंट कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों अकाउंट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, देखिए यहाँ देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बिजनेस में जब पार्टनर चाहते हैं उन्होंने जो कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करके रखी हुई है उसमें चेंजेस ना हो ज़्यादा, जो कैपिटल है वो रिमेन जो है वो सेम रहे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो अपनी कैपिटल को फर्स्ट टाइम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में एंटर करा देते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो परमानेंट कैपिटल है जिसको पार्टनर चेंज नहीं करना चाहते वो यहाँ पे लिखी जाती है। सपोज ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और एक जो है वो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है, तो बाई कैश करके जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल आ गई और कैपिटल लगा दी बिजनेस ने, बिजनेस में जो है वो 5 लाख इसने भी और 5 लाख रुपीज़ इसने भी अपनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर दी है फिक्स्ड में। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे भी देखा था कि अगर फ्लक्चुएटिंग में ओनर की जो कैपिटल होती है वो भी यहीं पे आती है, तो फिक्स्ड और इसका जो डिफरेंस था इसमें ओपनिंग जो परमानेंट कैपिटल है उसी का ही बैलेंस कंटिन्यू ट्रांसफर होता है। अगर बिजनेस में स्पेशली क्वेश्चन में लिख के आता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाई द पार्टनर, केवल तब ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर होगी। तो बाई कैश अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगती है तो आप पार्टनर की कैपिटल को जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, और अगर विड्रॉल जो ड्रॉइंग है, देखिए यहाँ पे सिंपल ड्रॉइंग आई है जो मंथली लेवल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो पार्टनर ने विड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लिख के आता है विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल तो यहाँ पे टू ड्रॉइंग या टू कैश यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल आप कैश कर लीजिए, क्योंकि वन टाइम में पैसे निकालते हैं आप डायरेक्ट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल। तो जब भी कभी आउट ऑफ कैपिटल जो है वो बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा, सपोज जैसे बिजनेस में पार्टनर्स को जरूरत पड़ी तो 2.5 लाख और 3 लाख रुपीस पार्टनर ने जो है वो विड्रॉ कर लिए, केवल ये कुछ लिमिटेड इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लेजर्स पोस्ट किए जाते हैं। मींस ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के, एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया गया है या विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, तो ये केवल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आते हैं। बाकी पार्टनर से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे, कंटेंट मींस चाहे वो आपसे बात हो रही हो रेगुलर ड्राइंग की, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी दिया जा रहा है, वो इसका जो सेकेंड अकाउंट बनता है करंट कैपिटल अकाउंट, इसमें जो है वो पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो यहाँ पे पोस्ट जो है वो हो जाएंगी और बैलेंस जो है वो निकाले जाएंगे। तो हमने अभी देखा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंडर में टू अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट, ये इनका पेयर होता है, बिल्कुल साथ में दोनों बनाए जाते हैं। जब भी कभी बनेंगे तो दोनों साथ बनेंगे, अदरवाइज एक सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारे बैलेंस ट्रांसफर होते हैं। इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको जो बैलेंस शीट दी रहती है क्वेश्चन में उसमें दोनों के बैलेंस अलग अलग दिए रहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिया जाएगा आपको, पार्टनर के करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा अलग। अगर दोनों के बैलेंस अलग अलग दिए गए हैं तो यह मेथड आप फॉलो करेंगे, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इस तरीके से जो है वो अकाउंट बना के आप जो है वो तैयार करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट जो है वो बना के तैयार किया जाता है।
और ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करेंगे मैनेजर कमीशन। तो थोड़ा ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ये जितना भी मैं आपको अभी जो है यहाँ पे बता रहा हूँ सब ओवरव्यू है आपके फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल का। तो अब हम जो है वो आगे आ जाते हैं मैनेजर कमीशन पे। तो मैनेजर कमीशन देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस अभी करूँगा थोड़ा सा, कि जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ कमीशन देखिए लिखा हुआ है टू कमीशन टू बी, ये कमीशन ओनर को दिया जा रहा है, ये कमीशन पार्टनर को दिया जा रहा है, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, ठीक है ना। और अगर किसी एम्प्लॉय को मैनेजर रखा हुआ है तो वो एम्प्लॉय जो मैनेजर होगा उसका जो एक्सपेंडिचर होगा फर्म में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल किसके लिए होता है, ओनर्स के लिए होता है। ओनर बिजनेस में अगर किसी भी तरीके से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी अलग अलग हेड से, वो चाहे कमीशन हो वो चाहे सैलरी हो, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगे। अब हम मैनेजर कमीशन में अपना जो है वो यहाँ पे आते हैं, देखिए जो मैनेजर कमीशन है ये आपने 11th क्लास में देखा होगा, मैनेजर कमीशन जो होता है वो टू टाइप का होता है। जो फर्स्ट मैनेजर कमीशन आपका होता है वो आपका होता है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और जो सेकंड होता है आपका वो आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन होता है। सपोज प्रॉफिट है, टू कंडीशन है प्रॉफिट की, दोनों में ही 2,20,000 रुपीज यहां पे आ रहे हैं। आपसे बोला जाता है 10% बिफोर चार्जिंग, तो जो 10% बिफोर चार्जिंग बोला गया है तो बिफोर चार्जिंग में जितना भी परसेंट होता है वो परसेंट हम लिख लेते हैं अपॉन में 100 रहते हैं। तो यहाँ पे बिफोर चार्जिंग में जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो 22,000 होगा, और आफ्टर चार्जिंग पे आते हैं तो आफ्टर चार्जिंग में जो कमीशन होता है, देखिए आफ्टर चार्जिंग पे जब हम कमीशन की बात करेंगे तो आफ्टर में जो परसेंटेज दिए रहते हैं, सपोज 10% दिया गया है तो जो नीचे होता है वो 100 तो रहता है और आफ्टर में प्लस जितना भी परसेंट होता है वो भी ऐड हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 रुपीस कमीशन आपका आता है। तो ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, और जब मेंशन होगा तो हम इसी तरीके से उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे जो है इसको देंगे। हम लोग आगे आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो है वो मैं आपको थोड़ा सा अभी डिस्कस कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होता है, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और फर्म ने पार्टनर को जो है वो लोन दे रखा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है और पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तरफ फर्म लिख देता हूँ मैं और एक तरफ जो है वो मैं पार्टनर लिख देता हूँ। एक तरफ मैंने यहाँ पे पार्टनर जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ है, अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो जो चार्ज उसका जो परसेंटेज होगा वो नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हम नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब है अगर फर्म पार्टनर को लोन दे देती है तो फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है।
अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि भाई पार्टनर अगर लोन लेता है फर्म से तो पार्टनर को 10% 20% जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, तो हम 10-20% इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से चार्ज करेंगे। अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, क्वेश्चन में नहीं कुछ भी मेंशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करेंगे। हम जब नेक्स्ट आते हैं, अगर फिर हम सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं इसकी, फर्म और फिर से हम लिखते हैं एक तरफ जो है वो पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो फर्म होगी वो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कंपलसरी है कि 6% प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि 12% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर से लोन लेके, तो 12% दीजिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज किया जाएगा। और इस कंडीशन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। ये आपका जो था वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो, इसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 11th क्लास में भी जो है वो कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर हैं, दोनों बराबर बराबर रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ए की जो ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल है तो कोई डेट भी इसकी जो है वो होगी। डेट जैसे सपोज दी गई है 1 अप्रैल 2018, और अमाउंट जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया अमाउंट ओपनिंग कैपिटल का, इसका 1 लाख था और इसका जो ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ दिया गया। ठीक है, और इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि 1 अक्टूबर से, उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2018 से उनकी जो कैपिटल है वो दोनों की जो है वो 3 लाख और 3 लाख रुपीज़ हो जाएगी। वॉन्ट टू मेंटेन, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक था इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज चार्ज करना है 12% पर एनम दिया गया है यहाँ पे। तो अब आता है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए। तो ए और बी पार्टनर हैं, बराबर रेशियो है इनका, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख थी, और वो चाहते हैं 1 अक्टूबर 2018 से 3 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल हो जाए। ठीक है ना, दे वॉन्ट टू मेंटेन देयर कैपिटल बैलेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड्स 3 लाख एंड 3 लाख। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। सपोज इन्होंने अपना अकाउंट जब बिजनेस में, जिस समय ओपनिंग में इनके पास अमाउंट था, तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 2018 को ए और बी दो पार्टनर हैं, ए के पास भी जो है वो 2 लाख रुपए था और बी के पास जो था, सॉरी, ए के पास 1 लाख रुपए था और बी के पास जो है वो 2 लाख रुपए था। ठीक है, और इसके बाद वो चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2018 से इनका जो बैलेंस होगा बिजनेस में वो 3 लाख रुपीस हो जाएगा, और इनका भी बैलेंस जो है वो 3 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट मेंशन नहीं है, तो क्लोजिंग डेट बिजनेस में 31 मार्च 2019 ले लेंगे। तो जब आप मंथ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो मंथ निकल के आते हैं वो 6 मंथ निकल के आते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब मंथ कैलकुलेट करते हैं तो 6 मंथ निकल के आते हैं। तो हम इस 1 लाख रुपीज़ पे, क्योंकि ये बिजनेस में 6 मंथ तक रहा है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये 3 लाख रुपीज़ फर्दर 6 मंथ रहा है, तो उस पर हम 3 लाख रुपीज़ पे जो है 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दोनों पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपीज़ पे 6 मंथ का
रेट दिया गया था 12%। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं इसको तो 6000 रुपीज़ ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है। और फर्दर जो अमाउंट 3 लाख रुपीज़ हो गया है, अगर आप फिर से 3 लाख रुपीज़ पे कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ का रेट है बेटा 12%, तो ये 12% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 18000। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो आपका 24000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग में जो अमाउंट था वो 2 लाख रुपीज़ था बी का, 6 मंथ तक ये बिजनेस में एज इट इज़ रहा और 12% इसका रेट है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकला है वो 12000 रुपीज़ निकला है फर्स्ट 6 मंथ का, बाद में 3 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका जो है वो हो गया है, मतलब 3 लाख रुपीज़ आगे मेंटेन ही अपने बैलेंस को कर रहे हैं। और फर्दर 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट इस पर हमको देना पड़ेगा 12% से, हमें यहाँ पे 12% रेट से देना पड़ेगा इसको, 0 से 0 0 कट कर देंगे तो ये 18000 रुपीज़ फिर फर्दर आ जाएगा। और जब आप इसका और इसका टोटल करेंगे तो ये आपको 30000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये हमने जो है वो टॉपिक आज कवर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक। फिर जो है वो फर्दर जो है फिर हम आगे जो है वो भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक, थैंक यू।